सुबह सुबह का टाइम है, अपने टैम भाई और रेविट अब दोनों अभी रेडी हो रहे हैं फॉर मुंबई। अपने अजिंक्य भाई जो है वो तो सुबह सुबह ही निकल गए हैं, ऑलमोस्ट 6:30 के आसपास या उससे भी पहले निकले होंगे। तो हम लोग बेसिकली मुंबई मिलेंगे। मैं फिलहाल बड़ोदरा रुक रहा हूँ और जो बुलेट गुरु है वो निकलने वाले हैं टूवर्ड्स जामनगर, तो उनका भी अभी शायद 1-1.5 घंटे में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बैग्स अभी जा रहे हैं, ये मेरा सामान। यहाँ से आप अगर देखोगे तो इधर से पूरा हाईवे दिखता है। ये देखो, ये पूरा हाईवे दिखता है यहाँ से। ये था हमारा अमेजिंग रूम और हाँ, और ये है बुलेट गुरु भाई। अरे कहाँ गए बुलेट गुरु भाई? तो भाई आज हमारा लास्ट डे है राइड का लास्ट डे है। और ये जो रूम पार्टनर थे मेरे पूरे 22-23 दिन मेरे रूम पार्टनर थे। तो आज हमारा लास्ट डे फाइनली। अभी फाइनल गुड बाय तो बाद में बोलेंगे, लेकिन अभी ये मेरे कैमरे में आप लास्ट टाइम देख रहे हैं इनको। सही है, बाय बाय। दोबारा जो है जल्द ही एक राइड कंडक्ट करेंगे और मिलेंगे साथ में। हाँ, ये तो स्टार्टिंग है बोल सकते हैं। तो हम लोग रुके थे होटल मैरीलैंड में। अभी बुलेट भाई जा रहे हैं तो मैं 1 घंटे बाद में जाने वाला था, लेकिन मैंने बोला चलो साथ में ही जाता हूँ। वैसे ही मुझे बड़ोदा ही पहुँचना है। कैमरा लगा है इधर। बाप रे, तो हम लोग तो कल भगा भगा के आ रहे थे। चलो भाई मिलते हैं, 20-22 दिन थे साथ में। जल्दी मिलेंगे भाई। यार 22 दिन हम लोग साथ में थे, 22 या 23 दिन। थोड़ा बुरा लग रहा है यार मुझे। ओ माई गॉड, एक्चुअली सब लोग के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे रूम पार्टनर थे ना। तो अभी निकलते हैं बड़ोदा। गाइस अभी मैं पेट्रोल भराता हूँ इधर। अभी बस हम लोग 85 किलोमीटर दूर है। गुजरात में एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस, इधर लोगों को गाड़ी चलाने का थोड़ा सेंस कम है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना। जैसा कि मैंने बताया इधर बहुत सारे गांव मिलते हैं गाइस। फुल फुल ऑन वेलकम टू वडोदरा हलोल रोड। वाओ, थोड़ा बड़ोदा घूम रहा हूँ, फैक्ट्री विजिट कर रहा हूँ। ये पूरा लाइन इंडस्ट्रियल लाइन है, आता है ना। भाई क्या बोलते हैं भाई? मजे में। आपकी नई कंपनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट। माय गॉड, न्यू कंपनी, क्या बात है। नंबर प्लेट बन रहा है अपने इधर। हमें नेट लाइट, वाओ, जिसको सोलर ब्रिज बोलते हैं एक्चुअली, नेट लाइट। देखो क्या कंस्ट्रक्शन है भाई, इतना अंदर पार्किंग है। इधर से ये डबल एग्जिट है, ये एक एंट्री, फिर एक ऊपर एक है और एक ऊपर। NB22। ओ माय गॉड, इतना बड़ा मॉल, क्या बात है। ये दूर दूर तक है गाइस। अपने साथ है विजू भाई। तो आज हमारा सेकेंड डे है बड़ोदा में। एक्चुअली आज निकलने का प्लान था लेकिन आज स्टे किया। और ये है बड़ोदा मॉल। अपने एक्सपीरियंस भी बड़ा है ये मॉल। हां सीरियसली, बहुत अच्छा। इधर इधर 3 माले का पार्किंग है। पता लोग पार्किंग। हां अभी मुझे इधर एप्पल का स्टोर दिख रहा है, जहां से मैं कुछ नहीं लेने वाला लेकिन जाऊंगा जरूर। इधर अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखो इधर इंजन भी चालू है, दोनों साइड के इंजन यहाँ पे चालू है। और ये है अपना प्लेन। तो गाइस अभी फाइनली निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से बड़ोदा से। 9:40 हुआ है, 9:40। चलो मिलते भाई। हाँ अच्छा, वीडियो में हेलमेट पोच दिया था आपका मैंने। इधर की तरफ निकले, अराउंड 400 दिखा रहा है गूगल में, लेकिन 450 है क्योंकि वो बढ़ेगा। हम लोग आयरोली के रोड से जाते हैं नॉर्मली। तो सुबह सुबह
सुबह 10 बजे का टाइम है गाइस, बहुत ट्रैफिक है और ये एज यूजुअल है, बट आज ट्रैफिक मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मैं घर वापसी कर रहा हूँ। ये है भरूच का ब्रिज, यानी कि नर्मदा रिवर के ऊपर हम लोग गाड़ी चला रहे थे। गिरा है भाई, दिन का तीसरा ट्रक है ये। बाप रे बाप, 40,000 किलोमीटर। बाप रे बाप, अपने गाड़ी का 40,000 किलोमीटर हो गया है गाइस, अमेजिंग। अभी सूरत के हम लोग थोड़ा सा अंदर आए हैं, धीरे 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 ये निकल जाएगा गाइस। ये जो गुजरात के बस वाले होते हैं ना, इन लोग से थोड़ा दूर रहा करो। टी परमिट फुल मैड लोग होते हैं, चलाने का कोई सेंस नहीं है, दबा देते हैं साले। लेके जा रहे हैं ट्रक के अंदर, ये भी मेरे ख्याल से मुंबई लेके जा रहे हैं शायद। ओहो, हरे कृष्णा। ऑल राइट, सो हम लोग रुके हैं, विजू भाई जिधर रुके थे लास्ट टाइम उधर। क्या बात है, बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, यहाँ पे हमारी बाइक से पार्क और ये टुवर्ड्स, अभी हम लोग वलसाड में। मैं बाहर बैठा था, फिर अभी अंदर आया एसी में। ये है मेरा हेलमेट, यहाँ पे विजू भाई का हेलमेट। ये वाला जो हेलमेट है ये है हेल्ड, और ये है मेरा 10C ईवो, मेरा पुराना प्यार। ये हमारे सेट। सो बड़ौदा से निकले और कर करके सीधा 218 किलोमीटर कर दिया। तो अभी थोड़ा बहुत खाना खाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग निकले थे अराउंड 9:45 को और अभी हो रहा है 12:45। तो 10:45, 11:45, 12:45, 3 घंटे में 220 किलोमीटर। 70 का एवरेज। 70 का एवरेज। सो गाइस, अगर आपने पूछा था मुझे तो GS Caltex का जो ऑयल है वो आज एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल पूरा राइड जो गया है वो बहुत ही सुपर गया है। देसी बाइक के पास पहुँचेंगे आपको मैं बताता हूँ, किलोमीटर्स मैजिक नंबर मेरी गाड़ी पे आ गया है। सेट हमारे व्लॉगिंग कर रहे। यूट्यूब या ओवरऑल सोशल मीडिया एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको करना ही चाहिए। अभी मैं वेट कर रहा हूँ खाने का, खाएंगे, बाइक पे जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। घर पे पहुंचने के बाद बहुत सारे काम है, पहले तो ये सारे वीडियोस पूरा सीरीज मुझे एडिट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा लास्ट डे आज, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक्चुअली एक वीक डे पकड़ा है, मंडे का टाइम पकड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सैटरडे संडे क्या होता है ना, फिर चीज़ें थोड़ा मैच्ड अप रहता है। अभी क्या पूरा वीक मुझे मिल गया। यह मेरा सैंडविच और मेरी लस्सी, और ये देखो विजू भाई का फेवरेट आइटम फ्रेंच फ्राइज आ गया, वो भी परफेक्ट बनाया। और ये एम्बियंस देखो गाइस, तो ये नकली है प्लांट्स, लेकिन ये एक लुक दे रहा है। अगर आप देखेंगे सेंट्रलाइज एसी है, आईकिया के जैसे लाइट्स है, और ये देखो कितना ब्यूटीफुली सजाया है वॉल को। यहाँ पर भी अगर आप सीटिंग देखेंगे तो एकदम एक इंडिविजुअल स्पेस बनाया है, बहुत अच्छा है ये होटल। लेकिन देखो विजू भाई का पाव भाजी, अमेजिंग स्टाइल वाइल, एकदम मस्त है भाई, एक नंबर। और ये अपन ने बोला है और एक किलोमीटर्स, क्या बात है। अभी निकलेंगे हम लोग टूवर्ड्स मुंबई, यानी कि डोंबिवली जहाँ से हम लोग रहते हैं, और देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं। अभी नॉन स्टॉप जाएंगे या स्टॉप लेके जाएंगे, धूप जैसा है मेरे ख्याल से एक स्टॉप लेंगे फॉर पानी ब्रेक। पानी लिया ना? हाँ लिया अपने विजू सेठ। उनका जो हेलमेट, आपका हेलमेट का एक छोटा रिव्यू दो ना, कैसा है आपका हेलमेट? मेरा हेलमेट बहुत लाइट है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइलेंट है। हाँ, इसमें एक पंपिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आपका जितना भी चिन है, कितने भी साइज का हो, वो ऑटोमेटिक टाइट हो जाते हैं। गाइज ये जो हेलमेट है ये हेल्ड का अल्कटार है ना, नहीं मकान। हाँ अल्कटार जो है वो 13,000 वाला है, ये 20,000 वाला है। फैंटास्टिक, देखो कलर देखो। ये बच्ची देख रही है उधर से। ओके, इधर सीधा 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 सीधा।
इधर है 107, अभी भी गुजरात में ही है ना? हाँ हाँ, डालो डालो। फाइनली यार मैं पहुंच गया हूँ, नेशनल हाईवे को बाय बोलने का टाइम आ गया है। होटल फाउंटेन और ये है बाइक्स। फाइनली पहुंच गए अभी हम लोग होटल फाउंटेन। ये आज शुरुआत हुई थी, हम अभी आ गए हैं। आज नसीब से हम लोग को यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिला, और हम लोग ने लिया था अंजुल फाटा, वो तो बहुत घटिया रोड था जहाँ से मैं स्टार्ट किया था। बट किलोमीटर बचते हैं, लेकिन बहुत बहुत डेंजरस है वो रोड। तो अभी ये रोड में हमको ट्रैफिक आज मिला ही नहीं। आज मंडे का टाइम है, अभी जाएंगे घर पे, ऐसे तो लगेगा 1-1.5 घंटा तो लगेगा, बट आई एम हैप्पी कि मुंबई आ गया हूँ। और 6000 किलोमीटर करने हैं यार। यार ये चुना मिस कर रहा था मैं। ले लिया, एक नंबर लिया। बीजू भाई को भी बाय बोल दिया है और फाइनली मैं आ गया हूँ। माय गॉड व्हाट अ राइड इट वाज। ये अपने अजिंक्य भाई आए। बीजू भाई अभी जस्ट घर गए। गाइज ये जो सीरीज है ले लद्दाख 2021 ये कंप्लीट होता है, एंड दिस सीरीज वॉज पावर्ड बाय द कंपनी GS Caltex एंड देयर इंजन ऑयल वॉज किक्स। सो पिक्चर जो है यहीं पर खत्म हुआ है, बट पोस्ट रेड सीन है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ आप ही के बारे में है। कुछ लोग हैं जिनको मुझे थैंक्स बोलना है, जिनके वजह से ये चीज पॉसिबल हुआ। नितिन कपूर सर जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे, उनका बहुत बड़ा रोल है इस राइड को पॉसिबल करने में। सैम यानी कि संतोष मेरे राइडिंग पार्टनर, बुलेट गुरु यानी कि जितेंद्र, लाइफ सीलर जैसे कि आप लोग जानते हैं अजिंक्य भाई। मैं और अजिंक्य भाई हमेशा से चाहते थे कि यार लद्दाख राइड हम एक दिन साथ में करें। एक बार उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था अकेले, मैंने किया था फर्स्ट टाइम अकेले, और आज हमने साथ में किया। तो ये हम दोनों के लिए एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, एज अ ब्रदर, इट वॉज अ बिग थिंग फॉर अस। आदि क्लिक्स अपना आदित्य भाई एक नंबर फोटोग्राफी करता है, एंड रेबिट अप यानी कि हार्दिक एंड मी। सबसे बड़ा थैंक यू पता है किसको है? आप लोगों को। आप लोगों ने मुझे एक छोटे आदमी से थोड़ा से ऐसे लेवल पर लेके आए कि आज मैं ये चीज़ कर पाया, एंड इसके लिए तो मैं जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है। ये तो सिर्फ शुरुआत है गाइस, आगे देखना अपन कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे। सपोर्ट छोटा हो या बड़ा हो, सपोर्ट होना ज़रूरी है। आप लोग मेरे रिव्यूज पसंद करते हो, कभी कभी मैं कोई चीज़ बताता हूँ जैसा मेरा अपफ्रंट बिहेवियर है, ये आपको पसंद आता है, आपको मेरी ओरिजिनलिटी पसंद आती है, इसलिए आप मुझसे कनेक्ट करते हो। और ये जो चीज़ है ना गाइस, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है और अच्छे चीज़ें बनाने के लिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, या ऐसे कोई पीपल होते हैं जिनको आप फॉलो करते हो, जो अपने दिमाग में दिल में कुछ ऐसे बातें रखते हैं जो उनको शेयर करना होता है, बट वो शेयर नहीं कर पाते। कई बार शायद अपॉर्चुनिटी नहीं होता, कई बार शायद टाइमिंग गलत होता है, कई बार शायद यार उनका वो चला गया रहता है, दैट मोमेंट इज गॉन। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं, कभी ऑडियंस का डर, कभी सोशल मीडिया का डर, कभी व्यूज़ का डर, और इन सब चीज़ों से निकल के आज सामने आके ऐसे चीज़ें बताना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसी कंपनीज के साथ में काम करना है, दोबारा GS Caltex के साथ में काम करना है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत चीज़ें करनी है। और अभी तो आने वाली चीज़ें आपको और एक्साइटेड लगेंगी, क्योंकि मैंने कितने कुछ चीज़ें लिए हैं, कितने कुछ चीज़ें आपको दिखने वाली है। बहुत सारा चीज़ें मैं इनोवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाने की कोशिश कर रहा हूँ। YouTube को मैंने सीरियसली तब लेना शुरू किया जब मेरी डोमिनार बाइक आई। तब तक तो मैं YouTube बस एज अ हॉबी करता था,
अब मुझे लगता है कि YouTube को मुझे प्रॉपरली करना चाहिए। आप लोगों से जो इंटरेक्ट करने का टाइम है इसको मैं सीरियसली ले रहा हूँ और इस चीज के अंदर मैं और ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरी वन हु वॉच्ड माई वीडियो, हु वॉच्ड दिस एंटायर सीरीज। आप देख सकते हैं मैं आई बटन प्लेलिस्ट सब देता हूँ।